नमस्कार, मैं डॉक्टर सलिल उप्पल, डीएम न्यूरोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल। आज मैं अल्जाइमर्स के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आज 21 सितंबर है और आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है। पहली बात तो ये अल्जाइमर होता क्या है। अल्जाइमर अक्सर ये होता है कि जिसको याददाश्त की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, भूलने की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उसको अल्जाइमर्स बोलते हैं। और ये अक्सर जौन सा है 50 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता है, बट आजकल हमने देखा है कि ये याददाश्त अल्जाइमर्स कुछ यंग पेशेंट्स में भी आना शुरू हो गया है। वेल, अल्जाइमर के लक्षण क्या होते हैं? नंबर एक, चीज़ें भूल जाना, जैसे यहाँ पे मैंने चाबियाँ रखी या मैंने पर्स रखा अपना। मरीज़ अक्सर आके कहते हैं कि हम चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, या कुछ सामान बाज़ार से ख़रीदा और वो वहाँ भी भूल आए, पैसों की याददाश्त की दिक्कत आनी। दुकानदार आके बोलता है कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने इससे पैसे लेने भी थे या लिए नहीं, डॉक्टर साहब पता नहीं ले भी लिए थे तो मुझे याद नहीं, ऐसे पैसे ले लिए मैंने ग्राहक से। ये अर्ली लक्षण है अल्जाइमर के। साथ के साथ देखा जाता है कि कुछ लोग रास्ते भूलना शुरू कर देते हैं, कि वो कहते हैं कि पहले मुझे ये रास्ता याद होता था बट अब वो रास्ता मुझे याद ही नहीं आता, या मैं वो सड़क वो मोड़ जौन सा है मैं भूल गया और मैं आगे निकल गया, रास्ता भूल गया। ये भी अल्जाइमर के अर्ली साइंस और सिम्टम होते हैं। बाकी देखा जाए तो अगर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होता है कि जो हमारे घर के फैमिली मेम्बर होते हैं या कोई ऐसे रिश्तेदार जौन से होते हैं कि जिनको हमने काफ़ी देर से देखा नहीं है और वो हमें अक्सर नहीं मिलते, उनके चेहरे नहीं दिखते हमें, तो हम उनको भूलना शुरू कर देते हैं। तो देखा जाता है कि रिश्तेदार आता है तो उसको उसका नाम भी नहीं याद होता, चेहरा भी नहीं याद होता। ये अल्जाइमर की प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे करके अगर अल्जाइमर को कंट्रोल ना किया जाए तो जो खुद के जैसे माँ अपने बच्चे अपने भाई बहन जिनको रोज़ मिलते हैं उनको भी अल्जाइमर के कारण उनके नाम उनको पहचानना भूल जाते हैं, और अगर एंड में आके उनको अपने दिन के सारे जो नॉर्मल काम होते हैं वो भी नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं लगता कि ब्रश कैसे करना है या खाना कैसे खाना है, और वो काफ़ी इरीटेट होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि अल्जाइमर से बचे कैसे। ना देखा जाता है कि अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने दिमाग को स्वस्थ रखें, हेल्दी खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, ड्रग्स का यूज़ ना करें, स्मोकिंग का यूज़ ना करें, अल्कोहल को अब्यूज़ ना करें, तो उससे हमारे दिमाग के सेल बच सकते हैं। बेसिकली अल्जाइमर क्या है, जो हमारे याददाश्त को संतुलन बनाने वाले सेल होते हैं उनकी कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे याददाश्त की दिक्कत आ जाती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जो अल्जाइमर का मरीज़ है, डॉक्टर साहब अब हो गया, इसका इलाज है? इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, हाँ, बट इसके प्रोग्रेस को रोका जा सकता है अगर हम लगातार दवाई खाएं, कॉग्निटिव थेरेपीज करें और साथ के साथ अपनी जौन सा हेल्दी लाइफस्टाइल करें। हमारे जैसे उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल में अल्जाइमर के लिए काफ़ी ज़्यादा थेरेपीज हैं, जिनको याददाश्त की दिक्कत आती है उसमें हम कॉग्निटिव थेरेपीज करते हैं यहाँ पर, और मैंने देखा है कि काफ़ी मरीजों को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी जो भी अल्जाइमर का मरीज़ है उसको ये ना बोलो कि बुढ़ा या बुढ़ी सठिया गई है, क्योंकि अल्जाइमर के साथ साथ डिप्रेशन भी होता है। उनके साथ उतना ज़्यादा रहो, उनके साथ खेलो, उनके साथ बातें करो, क्योंकि अल्जाइमर के मरीज़ बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसको पता ही नहीं होता कि ये कौन है, ऐसे हमें कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सो उनके साथ ज़्यादा अच्छी तरह रहना चाहिए। सो इस वर्ल्ड अल्जाइमर डे वाले दिन मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, अल्जाइमर की प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं, अल्जाइमर के मरीज के लिए कॉग्निटिव थेरेपीज होती हैं, जो आप एक अच्छे से न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपको हर एक चीज़ के बारे में इस चीज़ के सिखा सकते हैं। सो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहें और अपना हेल्दी खाना खाएं। थैंक यू।